हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में और उनकी बॉन्ड्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन। सो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोज अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर में चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है ये हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है, अब हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या होते हैं जो कंपाउंड्स, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है सिंपली हमें पता नहीं है, हमें सिंपल लैंग्वेज में सीखना है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बेटा हाइड्रोकार्बन होता है जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, इनके दो पार्ट होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमें पता होना चाहिए पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे इथेन एग्जाम्पल हो गया इथेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो देखो यहां पे सिर्फ दो ही कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इथेन। अब इथेन में बेसिकली क्या है, तो ही कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि ये किससे बना है, टू कार्बन एटम से और सिक्स हाइड्रोजन एटम से। ऐसे ही जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के दो सब पार्ट हैं, दैट इज इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है बेटा, पहला है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड जब भी बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी। तो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड है वो बनता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इसमें क्या होगा कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अब इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बन जाए किसके बीच में, कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। अब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए किसमें, कार्बन एटम के बीच में। कैसे, अब इसमें जो बनेगा ये कार्बन है, इसके साथ एक कंपाउंड आया, तो यहां पे आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड जो होती है इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जनरली कौन से ग्रुप बनाते हैं, ये बनाते हैं एल्केन। सैचुरेटेड क्या बनाता है, एल्केन्स। अब ये एल्केन्स क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से कोई कंपाउंड बना तो उसकी तीन टाइप होती है, एक होता है एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन। तो जो सैचुरेटेड बनाएगा वो एल्केन बनाएगा, क्योंकि एल्केन में जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। कैसे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला है जिसमें हम कार्बन को प्लेस करते हैं, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या मतलब हुआ है यहां पर, भाई ये है हमारे कार्बन। अब कार्बन के नंबर्स कितने हमें नहीं पता, तो यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी होंगे हम उनको ऐड करेंगे, प्लस
इन टू, अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ कार्बन सी एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन, एंड यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर नहीं पता। अगर हमें कार्बन का नंबर पता चल जाएगा तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं आराम से। कैसे? अब सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे कार्बन के नंबर 2 हैं, ले लिया हमने, चलो अब यहाँ पे अब 2 है तो क्या है भाई, 2 है 2n, अब यहाँ पे ट्वाइस ही तो हो रहा है, ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, अगर मैं कर दूंगा तो हाइड्रोजन के नंबर भी पता चल जाएंगे, करके देखते हैं फॉर्मूला में, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 2, ये 4 प्लस 2 6, तो C2H6, ये क्या बन गया, इथेन बन गया, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया देखो इथेन लिखा है ना। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चल जाए तो उससे हम एल्केन्स के कंपाउंड्स को इजीली बना सकते हैं। होप सो आपको समझ आए। नेक्स्ट, अब है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? सैचुरेटेड में तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड बन रही है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा भाई? अनसैचुरेटेड में बनेगा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें बनती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, किसके बीच में, बिटवीन कार्बन एटम, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स भाई, कार्बन एटम्स के बीच में बनी ना। अब कैसे, इसका एग्जांपल लिखने चलो, यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना था ऊपर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं एल्कीन्स, क्या बोलते हैं एल्कीन्स, और सिंगल वाले को बोलते हैं एल्केन, ठीक है। अब ऐसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मूला आएगा, यानी कि CnH2n, यहाँ पे था जैसे CnH2n प्लस 2, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन उसका क्या होगा, डबल होगा, तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है उनका डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं किसकी, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, अब जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगी तब क्या होगा भाई, कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, तो ये बॉन्ड कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गई हमारी डबल बॉन्ड, तो जो डबल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं हम एल्केन, अब इसे हम बोलते हैं एल्काइन्स, क्या बोलते हैं एल्काइन्स। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसका ट्वाइस कर देंगे क्या, हाइड्रोजन, उसमें फिर 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सपोज वही कर लो, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या है, 2 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो कि 2 कार्बन आइटम है हमारे पास, तो भाई C2H क्या हो गया उसका डबल, दैट इज 4, तो कार्बन के जब एटम 2 होते हैं तो इसको बोलते हैं इथ, तो ये हो गया क्या, और हम ये लगा देंगे बस पीछे का इसका सफिक्स, इथीन। अब यहाँ पे भी अगर मैं वही C2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, C2H4 यानी कि H2, तो ये हो गया हमारा इथाइन, क्या हो गया ये इथाइन। होप सो आपको समझ आया, अगर समझ आया है तो इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कराऊंगा। वीडियोस पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।